हेलो फ्रेंड्स, आई एम डाइटिशियन रेखा अग्रवाल और मैं आज आपको लो कैलोरी ब्रेकफास्ट बताने जा रही हूँ, जो कि बहुत क्विक बन जाता है एंड टेस्टी होता है एंड यस इट विल हेल्प यू इन वेट लॉस। तो इस रेसिपी का नाम है मल्टीग्रेन चिल्ला। तो शुरू करते हैं मल्टीग्रेन चिल्ला रेसिपी। तो इसमें क्या क्या इंग्रेडिएंट यूज होंगे वो मैं आपको बता देती हूँ। बेसन और ओट्स, सूजी एंड बीन्स एंड कर्ड। तो सबसे पहले मैं इसमें 4 टेबल स्पून बेसन डाल देती हूँ और उसके बाद ओट्स जो कि 3 टेबल स्पून है एंड सूजी 4 टेबल स्पून। तो सूजी इसमें क्रंचीनेस लाता है, इसलिए हम इसमें सूजी डालते हैं। और इसमें हम डालेंगे बीन्स। आप कोई भी वेजिटेबल इसमें यूज कर सकते हैं, तो मैं इसमें बीन्स डाल रही हूँ। तो इसके बाद इसको इसमें डालेंगे कर्ड जो कि प्रोबायोटिक होता है और ये इसमें जो बैक्टीरिया होता है वो हमारे डाइजेशन के लिए बेस्ट होता है। तो हम इसमें कर्ड डालेंगे और इसमें फिर इसके बाद हम स्पाइसेस इसमें डालेंगे। क्यूमिन सीड्स 1 टीस्पून क्यूमिन सीड एंड कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून एंड ब्लैक पेपर टेस्ट के अकॉर्डिंग एंड सॉल्ट अकॉर्डिंग टू टेस्ट। इसके बाद इसको हम अच्छे से इस बैटर को अच्छे से मिक्सअप कर लेंगे। इसमें थोड़ा पानी यूज करेंगे और बस ये ध्यान रहे कि इसमें लम्स ना बने। इस बैटर को हम अच्छे से मिक्सअप करेंगे। और हम अच्छे से मिक्स करके मैं इस तवे पर ऑयल ग्रीस कर लेती हूँ। पानी आप अकॉर्डिंग टू आप देख सकते हैं इसमें कि कितना इसमें जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग आपको डालना है पानी। तो चीला इसमें मैं इसको पेस्ट को तवे पर डाल देती हूँ और अच्छे से इसको ये बहुत हेल्दी रेसिपी है क्योंकि हेल्दी एंड टेस्टी। और इसको हम अच्छे से सिकने देते हैं और इसके बीच में हम कोई भी काम कर सकते हैं, कोई भी आलतू जो भी हमारी किचन फैली हुई है उसको हम समेट सकते हैं इसी बीच में। तो आप कुछ भी कर सकते हैं। नीचे से थोड़ा सिक चुका है तो हम इसको अब पलट सकते हैं और ये हमारा चीला तैयार होने जा रहा है। और जब ये तैयार हो जाएगा तो हम इसे पीनट चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर ग्रीन चटनी के साथ भी खा सकते हैं। तो थोड़ा वेट करना पड़ेगा हमें। तो हमारा ये दूसरी साइड से भी मल्टीग्रेन चिल्ला सिक चुका है और अब हम इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं
और हमारा ये टेस्टी टेस्टी चीला तैयार है। और हम इसे अब किसी भी ग्रीन चटनी के साथ खा सकते हैं या फिर पीनट चटनी के साथ इसे खा सकते हैं। और ये आपका लो कैलोरी ब्रेकफास्ट तैयार है।